मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी को देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। पर्व पर तिल से बने व्यंजनों का खास महत्व रहता है। वहीं पर्व पर पतंगबाजी की परंपरा भी रहती है। पतंगबाजी को लेकर बाड़मेर के बाजारों में पतंगों की दुकानों से सजे हुए नजर आ रहे हैं। पतंगों की दुकानों पर बच्चे युवाओं का पूरा दिन अभी से मेला लगा रहता है। मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी को धूमधाम से मनाया जाएगा। दान पुण्य के इस पर्व पर जहां लोग दान पुण्य करते हैं तो पर्व पर पतंगबाज पतंग उड़ाते हैं। पतंगबाजी के शौकीनों के लिए बाड़मेर के बाजार इन दिनों गुलजार हैं। शहर में विभिन्न जगहों पर रंग बिरंगी पतंगों की दुकानें सज गई हैं। बच्चे व युवा अभी से दुकानों पर पहुंचकर पतंगों, डोर व मांझे की खरीदारी का लुत्फ उठा रहे हैं। बाजार में मकर संक्रांति की रौनक देखते ही बन रही है। अभी त्योहार में 20 दिन शेष हैं, लेकिन बच्चों से लेकर युवा वर्ग पतंग और मांझे की खरीदारी में व्यस्त दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ महिलाएं मकर संक्रांति पर होने वाले दान पुण्य के सामान की खरीदारी में व्यस्त हैं। खरीदारी बढ़ने बाजार में रौनक दिखाई दे रही है। बाजार शाम को बच्चों के साथ लोग खरीदारी करने आ रहे हैं। ग्रामीण इलाकों से भी लोग खरीदारी करने बाड़मेर आ रहे हैं। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर विशेषकर नगर परिषद के पीछे सदर बाजार, आजाद चौक में पतंगों की ग्राहकी के सीजन से दुकानें गुलजार नजर आ रही हैं। बाजार में पतंगों की बिक्री देखते ही बन रही है। बाजार में रंग बिरंगे और नेताओं अभिनेताओं के फोटो वाली कार्टून स्टाइल पतंगों की बिक्री जोरों पर है। वहीं इस बार चाइनीज मांझे की बिक्री कहीं भी नहीं हो रही है। दुकानदार व ग्राहक दोनों ही देसी मांझे से ही ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। और सबसे ज्यादा पतंग बिक रहे हैं 2021 हैप्पी न्यू ईयर और मोदी भारत माता की जय हो, ये सबसे ज्यादा चल रहा है। नई वैरायटी पतंग कौन कौन से है? नई वैरायटी में यही है 2021 है, मोदी का है और ये नए आए बाज है, मोटू पतलू है और चाइनीज मांझे हो जाता है। चाइनीज मांझा नहीं है, अपने इंडियन मांझा है। देश भर में धूमधाम से मनाए जाने वाले मकर संक्रांति के पर्व को लेकर देश भर के बाजार गुलजार हैं। शादी की सीजन के बाद मंदी की मार झेल रहे बाजार में मकर संक्रांति की वजह से रौनक लौट आई है। खरीदारी का दौर शुरू होने से व्यापारियों के चेहरे भी खिले खिले नजर आ रहे हैं।